नाज़रीन पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन ज़फ़र रवाना। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ नौजवान यंग जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार सदीक जान साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिजीम चेंज में कितनी साजिश हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साजिश हुई है जबकि न्यूट्रल्स कह रहे हैं साजिश नहीं हुई, तो किसकी माना है, इनका मौक़िफ क्या है इस बारे में? जी सदीक भाई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये तो कहती है कि मुदाखलत हुई है। अब यह बहस हो सकती है कि मुदाखलत ज़्यादा बुरी चीज़ है या साजिश बुरी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त किसी ने पोस्ट की थी और बड़ी अच्छी की थी और उन्होंने कहा था कि जो साजिश होती है वो ढके छुपे होती है और जो मुदाखलत होती है वो सरेआम होती है। तो ये जाहिर है, साथ से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये था कि मेरा ख्याल है कि मुदाखलत साजिश से भी ज़्यादा गंभीर चीज़ है। तो बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि चलें आप इमरान खान की ना माने, किसी और की ना माने, आप सिर्फ मरीम नवाज साहबा, शाकिर नवासी साहब, एहसन इकबाल साहब, इन सब के बयान उठा के देख लें कि ये जो कहते थे कि अदम अतमाद एक ही सूरत में हो सकती है। और दूसरा मैं आपको कहूँगा कि आप कभी ना एज ए स्टूडेंट ज़रा बैठ के पढ़ें जो विकीलीक्स में डॉक्यूमेंट सामने आए थे, उसमें ये अमरीका को वो बातें अपनी बताते थे ज़ाती, जो शायद मियाँ अपनी बीवी से छुपाए, बीवी अपने खामे से छुपाए, वो बातें भी अमरीका को बता देते होते थे। तो बात यह है कि मुदाखलत के बगैर ये नहीं हो सकता था। ये जमातें 16 जो एक दूसरे के गले पड़ी हुई थी, एक दूसरे को चोर लोटर या डाकू कहते थे, कैसे इन्होंने इकट्ठे होकर और ये सब कुछ कर लिया? इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स को अब न्यूट्रल्स नहीं रहना चाहिए, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि वाकई न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स नहीं रहना चाहिए? मेरे तो ख्याल ये है कि न्यूट्रल्स को अब न्यूट्रल्स हो जाना चाहिए। हो जाना वो तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं। वो जिस दिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, शबाश 6 घंटे में गिर जाएंगे। 6 घंटे ये हुकूमत नहीं रह सकती अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाए। सबको पता है इनको कौन लाया है, कौन इनको रखे हुआ है, कौन इनको खिलाता है, कौन इनको पिलाता है, कौन इनको पालता है, कौन इनको पोसता है, कौन इनको पिलाता है, सब कुछ सबको पता है। हालांकि न्यूट्रल्स के साथ यही समझा जाता है कि रवाबित सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ के, और आप कह रहे हैं कि वो 6 घंटों में उनकी हुकूमत गिर जाएगी। वो इसलिए गिर जाएगी, ये तो आपने ठीक बात की ना, आपने खुद कहा कि उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो पीछे हटेंगे तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे, उनके बगैर तो ये बरकरार नहीं रह सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया।